तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बैटल भी स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पर पहली फाइट चेंग की उस लड़की के साथ हो रही थी जिसने मार्क्स के साथ हाथ मिलाया था। यहाँ पर चेंग अपने एक खास पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा था जिसे देखकर हर कोई इतना ज्यादा शौक था कि मास्टर्स को उस पोर्टल की जाँच करनी पड़ती है। मगर आखिरी में उन्हें पता चलता है कि चेंग चीटिंग नहीं कर रहा है, असल में चेंग के पास डेंटियान बॉडी है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हमने देखा था कि अब वो सामने वाला लड़का बहुत खतरनाक अटैक करने वाला था। उसने विंड एंड क्लाउड की एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था और यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम्हारी मामूली अटैक मेरे अटैक के सामने कुछ भी नहीं है। पहले मैंने तुम्हें थोड़ा सा कमजोर समझ लिया था, लेकिन अब नहीं, तुम एक अटैक में हार जाओगे। और उसके बाद अब वो उस फॉर्मेशन पर अपनी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी का यूज करते ही फॉर्मेशन के अंदर से एक लाइट निकल कर आती है। इसमें वो सारी एनर्जी कंसंट्रेट थी और एक ही पॉइंट पर जा रही थी, तो इसके जरिए वो चेंग पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर चेंग कहता है कि भले ही तुम्हारा अटैक देखने में थोड़ा सा कूल लगे, लेकिन फिर भी पावरफुल नहीं है। उसके बाद वो फिर से वही पोर्टल ओपन करता है और इस बार का पोर्टल अपनी तरफ उस एनर्जी को खींच रहा था। पिछली बार हमने देखा था कि वो तलवार अपने आप उस पोर्टल में जा रही थी, पर इस बार ये एनर्जी दूर थी लेकिन वो पोर्टल ही खुद उसे अपनी तरफ और अपने अंदर खींच रहा था। ये चीज देखकर वो सामने वाला लड़का बहुत ज्यादा शॉक था। वो कह रहा था कि तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को इस तरह से कैसे रोक सकती हो। लेकिन इसके बाद वो फिर से अपनी वही एनर्जी का यूज करने लगता है और इस बार उसने अपनी उस एनर्जी के अंदर अपनी तलवार का एक बहुत ज्यादा बड़ा क्लोन भी बना दिया था, जिससे अब एब्जॉर्व कर पाना तो छोटे पोर्टल की बस की बात नहीं थी। और अब हम देखते हैं कि उस लड़के ने उस अटैक को सीधा ही चेंग के उस पोर्टल के ऊपर गिरा रहा था। यहाँ पर चेंग भी जानता था कि इतनी बड़ी तलवार इस पोर्टल के अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि पोर्टल का मुंह उतना बड़ा नहीं है। इसीलिए चेंग अपने पोर्टल की एनर्जी को रिवर्स कर देता है। जहाँ पहले वो पोर्टल अपनी तरफ चीजों को खींच रहा था, तो वो पोर्टल उल्टा काम करने लगा था। जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्व की थी वो अब उसे रिलीज कर रहा था। वैसे वो अभी चीजें नहीं फेंक रहा था, वो बस एनर्जी को रिलीज कर रहा था। अब इसके चलते वो जो लड़के की तलवार वहाँ आ रही थी वो पीछे को हो जाती है और उसी के उस फॉर्मेशन से टकरा कर ब्लास्ट हो जाती है। अब इस चीज पर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चेंग इतना पावरफुल है। मगर फिर वो कहता है कि अभी तक मैं सिर्फ तुम्हें हर आने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं दया नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद वो कुछ ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। इसे 9 ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है। और अब इसके बाद वहाँ पर 9 अलग अलग तलवार के क्लोन आ चुके थे जिनके अंदर क्लाउड और विंड एनर्जी ऑब्जर्व है। और इसके बाद वो लड़का उन्हें लेकर सीधा ही चेंग की तरफ अटैक करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। वो कह रहे थे कि इसने ये टेक्निक कब सीख ली, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे परफेक्टली परफॉर्म कर पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। मगर यहाँ पर वो बिल्कुल परफेक्टली उन्हें चेंग की तरफ भेज रहा था। अब हम देखते हैं कि चेंग भी उसकी तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि सच में लड़का बहुत मेहनती है, ये अपना पूरा बेस्ट दे रहा है मुझे हराने के लिए, लेकिन मुझे भी इसके अटैक को रोकना होगा। इसके बाद वो अपनी लोटस एनर्जी का यूज करता है। पहले तो वो दूसरी जगह पर आ चुका था, यहाँ पर अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद कई सारे लोटस को यहाँ बाहर लेकर आता है। और अब उन सभी ने उस पूरे बैटल एरेना को उसी जगह के आसपास से कवर कर लिया था और इतनी प्योर एनर्जी वहाँ की एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। और अब वो सभी क्लोन्स भी तो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, इस कारण से ये सभी लोटस उन्हें भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक था, साथ ही आसपास बाकी सब भी शॉक थे। और मार्क्स कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, चेंग तो ज्यादा पावरफुल अटैक्स कैसे जानता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें हरा कर ही यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद उन्हें पूरी पावर से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और एक बार फिर से 9 बड़े बड़े क्लोन्स बनाकर उन्हें विंड और क्लाउड एनर्जी के साथ कम्बाइन करता है और उन्हें लेकर सीधा चेंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि इस बार क्लोन्स के साथ वो खुद भी आगे आ रहा था, जिससे कि चेंग से उसके क्लोन्स को ही ऑब्जर्व कर पाए, उसे नहीं। यहाँ पर चेंग कहता है कि तुम हार नहीं मान रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चेंग अपने सभी लोटस से अपने कई सारे तलवार के क्लोन क्रिएट करता है। ये क्लोन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट क्रिएट हो रहे थे। हम देखते हैं कि एक के बाद एक उन सभी लोटस के अंदर से क्लोन निकलना स्टार्ट हो गए थे।
यहाँ वो सभी उस लड़की के पास जा रहे थे और उस लड़की के लिए उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए अपने क्लोन्स का एक केज बना लेता है जिससे कि वो बच सके। मगर यहाँ चेंग के क्लोन्स इतने ज्यादा थे कि उन्हें बस केज को भी तोड़ दिया था। इसके बाद अब क्लोन्स अभी भी नहीं रुके थे और वो लड़का नीचे गिर चुका था। हम देखते हैं कि उसे हाथ पर भी लग चुकी थी, लेकिन फिर एक और क्लोन उसकी तरफ आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वो उसे लगने वाला था, लेकिन इतने में ही वो अपना हाथ आगे कर कर कहता है कि मैं हार मानता हूँ, जिसके बाद अचानक से वो क्लोन लोटस में बदल जाता है और यहाँ पर चेंग की जीत हो जाती है। यहाँ चेंग अपने सारे लोटस एनर्जी को वापस भेजता है और उसके बाद वहाँ मास्टर चेंग अनाउंस करते हैं कि ये बैटल चेंग ने जीता है। अब ये सुनते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे, लेकिन बैटल तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए उसे चीटिंग तो कोई कह ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि यहाँ पर हेडमास्टर कह रहे थे कि कमाल कर दिया, इस चीज पर भरोसा करना सच में बहुत मुश्किल है। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो लड़का था जिसने मोंग की तरफ कपड़े पहन रखे थे, वो आगे आता है और कहता है कि चेंग सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और बहुत पावरफुल भी है। तो इस पर हेडमास्टर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि उसके पास डेंटियन बॉडी है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि वो फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा करेगा। वैसे अगर तुम फ्यूचर में जाकर स्मॉर्टन के एल्डर बनते हो, मतलब कि हेडमास्टर बनते हो, तो वहाँ का स्मॉर्टन एल्डर तो बन ही सकता है, असल में ही दूसरी बड़ी पोस्ट होती है। अब हम देखते हैं कि अभी चेंग वहाँ पर आ चुका था और शिया उसके पास जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही थी। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। इस पर चेंग कहता है कि बिल्कुल, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ना, कि तुम मुझे। लेकिन अब शियाओ कहने लगती है कि तो भूल ही जाओ, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकते। इसके बाद अब दूसरी लड़की वो शेंग वहाँ पर आती है, उसे देखकर चेंग कहता है कि क्या तुम भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए आई हो, क्योंकि मेरी पावर सच में बहुत बढ़ चुकी है इसलिए। लेकिन वो शेंग चेंग का कान खींचते हुए कहती है कि तुम मुझे अपनी पावर के बारे में मत बताओ, मैंने ही अपनी खुद की फैमिली से दवाइयाँ चुरा कर तुम्हें दी थी, वरना तुम्हारी पावर तो वहीं पर रुकी हुई थी। अब ये लोग बात कर रहे थे, तभी शियाओ सामने नोटिस करती है कि मार्क्स एक डिसिपल से बात कर रहा है और वो लोग अभी यहाँ चेंग की तरफ ही देख रहे थे। और एक देखते हुए शियाओ समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो आज नहीं आती है। और इसे देखते हुए शियाओ समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो आज कुछ बोलती नहीं है। हम देखते हैं कि अभी दोनों लोग आगे बढ़ रहे थे, इसके बाद मास्टर शेंग अनाउंस करते हैं कि अब अगला बैटल स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन तभी ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।